हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, केसीपी शुगर एंड इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से मार्च क्वार्टर के फिनांशियल रिजल्ट पेश हो चुका है। स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड दोनों रिजल्ट आउट हो चुका है। क्वार्टर एंडेड ऑफ फिनांशियल ईयर एंडेड का और 20 पैसे पर इक्विटी शेयर का एक फाइनल डिविडेंड भी रिकमेंड किया गया, एनुअल जनरल मीटिंग में अप्रूव किया जाएगा। तो हम लोग चलते हैं रिजल्ट्स पर। लेफ्ट में स्टैंड अलोन, राइट में कंसोलिडेटेड नंबर। लैक्स में पहले कंसोलिडेटेड कवर करेंगे। इनकम है 887.3 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 87.2 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 52.7 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर माइनर सा इंक्रीज है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। एक्सपेंसेस कंपनी का हुआ 79 करोड़ का। यहाँ पे एक्सपेंस जो हुआ इस बात का अगर देखा जाए, टोटल एक्सपेंस है 79 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 89 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 60.4 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में एक्सपेंस बहुत कम है, लेकिन यहाँ पे इसका हम प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, लेकिन ईयर ऑन ईयर की एक्सपेंस इंक्रीज किया इनकम के अकॉर्डिंग। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है कंपनी का 16 पॉइंट, अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 16.3 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 2.1 करोड़ का लॉस है। मार्च 23 क्वार्टर में 2.8 करोड़ का लॉस है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। नेट प्रॉफिट लॉस कंपनी का इस बार पेश किया अगर हम देखेंगे तो 11.8 करोड़ का प्रॉफिट है, पिछले क्वार्टर में 4.3 करोड़ का लॉस है। मार्च 23 क्वार्टर में 8.4 करोड़ का लॉस है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में रिकवर किया है। ईपीएस 1.04 रुपीज़ का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। तो गाइस, क्वार्टर एंडेड का रिजल्ट अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी ग्रोथ हुआ है। फिनांशियल ईयर एंडेड में इनकम में 414 करोड़ का, 23 में 357.4 करोड़ का इंक्रीज किया है और एक्सपेंसेस 343.4 करोड़ का और 23 में 303.9 करोड़ का, जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यहाँ पे एक्सपेंस भी इंक्रीज किया और ऑपरेटिंग प्रॉफिट है कंपनी का 78.8 करोड़ का और 23 में 70 करोड़ का इंक्रीज करता हुआ देखने को मिला है। और आफ्टर टैक्सेस कंपनी का प्रॉफिट निकल के आया है 66 करोड़ का और 23 में 58 करोड़ का, इंक्रीज करती हुई देखने को मिल रही है। ईपीएस 5.83 रुपीज़ का 23 से इंक्रीज किया। तो गाइस, क्वार्टर एंडेड हो या फिनांशियल ईयर एंडेड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजल्ट पेश किया, क्योंकि इनकम प्रॉफिट दोनों इंक्रीज करता हुआ देखने को मिल रही है। वहीं स्टैंड अलोन रिजल्ट्स में इनकम है 76.5 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 75 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 43.4 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। एक्सपेंसेस कंपनी का 64 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 81 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 51.7 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डिक्रीज किया जबकि इनकम इंक्रीज हुआ था, ईयर ऑन ईयर में एक्सपेंस इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है कंपनी का 20.4 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 5.9 करोड़ का लॉस है और मार्च 23 क्वार्टर में 3.4 करोड़ का लॉस है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। ईपीएस नेट प्रॉफिट कंपनी का 14.3 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 7.2 करोड़ का लॉस है, मार्च 23 क्वार्टर में 8.7 करोड़ का लॉस है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। ईपीएस 1.27 रुपीज़ का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। सेगमेंट वाइज शुगर, केमिकल्स, पावर एंड फ्यूल, इंजीनियरिंग, अदर्स, अनएलोकेटेड, इन सभी को ऐड करके रेवेन्यू हुआ है। क्वार्टर एंडेड में देखिए तो इनकम में थोड़ा सा क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन था, लेकिन ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया था। और गाइस, लेकिन यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इनकम भले डाउन था, लेकिन कंपनी का अदर इनकम बहुत ज़्यादा हुआ 11.8 करोड़ का, जिसके कारण कंपनी का इनकम जो है इंक्रीज किया, नेट इनकम जो है इंक्रीज किया। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डाउन था। अगर हम इसके शेयर की बात करें गाइस, तो कंपनी का शेयर 35 रुपीज़ पे क्लोज किया, 1.6% का प्रॉफिट दिया है। वन मंथ में 11.13% का लॉस है और सिक्स मंथ्स में 4.3% का लॉसेस है, जो कि इस बार देख सकते हैं बहुत ज़्यादा डाउन देखने को मिला कंपनी का शेयर। और अगर आप इसमें एंट्री करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। चांसेस की कंपनी बाउंस बैक कर सकती है, क्योंकि यहाँ से जो है रिवर्स करने का उम्मीद है। तो हम लोग जो है वीडियो कहीं पेंड करते हैं, अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।